बताते हैं रानी सुनीति की बात सुनकर के राजा तानपाद कह रहे हैं कि बुढ़ापे में मेरी हंसी उड़वा रही हो तुम। लसू के लकड़ में पानी डालने से कोई हरा होता है? कभी झाड़ पर कोई कलम चढ़ा सका है? बटबेरी और केड़े का कहां मेल कर रही हो तुम? कैसे बता रहे हो? मेरा मत ना सुधा करवाइए, मेरी रानी ना लोग मेरा मत ना तुगा करवाइए, मेरी रानी ना लोग हंसाइए। ओ इतना तू कर पगाइए मेरी रानी ना लोग हंसाइए, मेरा मत ना तुगा करवाइए तेरे सूखे लकड़ में दे पाई, सूखे लकड़ में क्यों दे पाई? मत नागे रे रे मेरी रानी, मत नागे रे रे मेरी रानी, मत झाड़ पर कलम मेरी रानी ना लोग हंसाइए, मेरा मत ना तुगा करवाइए, मेरी रानी ना लोग हंसाइए, मेरा इड़ना तू कहना पो गई मेरी रानी ना लोग हंसाइए। ये बाकोयल से बागा की, बाकोयल से बागा करे ना काका की, गेल करे ना काका की, किसे हंस में टोके लाइए रे मेरी रानी ना लोग हंसाइए, मेरा मत ना तुगा करवाइए रे मेरी रानी ना लोग हंसाइए, मेरा इड़ना तू कहना पो गईए रे मेरी रानी ना लोग हंसाइए, मेरा मत ना तुगा करवाइए रे मेरी रानी ना लोग। वो केड़ा में बटबेरी, वो केड़ा में बटबेरी, बाणसुरी थी जो तेरी, बाणसुरी थी जो तेरी, मत कुएं के बीच धकाइए मेरी रानी ना लोग हंसाइए,
मेरा मत ना तू जा करवाइए रे मेरी रानी ना लोग हसाइए मेरा इतना तू कहने को गईए रे मेरी रानी ना लोग हसाइए मेरा इतना करवाइए रे मेरी रानी ना लोग हसाइए ये बांधे बूट फूट के दाड़े में बांधे बूट फूट के दाड़े दारू ने इस गंगा जल में दारू ने रे इस गंगा जल में मन मत ना भूल के तू पिए रे मेरी रानी ना लोग हसाइए मेरा मत ना तू करवाइए रे मेरी रानी ना लोग हसाइए रे मेरा इतना तो कहना को गईए रे मेरी रानी ना जा करवाइए रे बताते हैं राजा उतानपाद बहुत इनकार करते हैं लेकिन रानी सुनीति मानती नहीं है। आखिरकार वही बात हुई जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। कैसे बताया करसन लाल गाल दी करसन लाल गाल दे माला मेरे सतगुरु ने कर दिया ताला मेरे सतगुरु ने कर दिया ताला ओ हो ओ हो बोले तू लेके बहू ने आई है मेरी रानी ना लोग मत ना तुरा करवाइए रे मेरी रानी ना लोग हसाइए मेरा इतना तू कहना को गईए रे मेरी रानी ना ब्या अब राजा उतानपाद रानी सुनीति की बात मान करके सुरीचि को गाने के लिए वहां चले जाते हैं। अब सुचेतगढ़ में जैसे ही वह पहुंचे बड़ा आदर भाव से भारत का अभिनंदन किया गया। सफेरे होने लगते हैं तो रानी सुरीचि जो छोटी थी उस वक्त वो कहती है कि मेरे को चार वचन मांगने हैं अगर वो तो आप मेरे को दो तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो राजा चार वचन भर लेता है। अब रानी सुरीचि तीन वचन तो उधर ही मांग लेती है और चौथा वचन वो कहती है कि मैं आपकी नगरी में जाकर के मांगूंगी। अब जैसे ही वहां से शादी करके जब आते हैं तो डोड़ा जब नगरी के द्वार पर आ लिया तो रानी सुरीचि राजा उतानपाद से क्या कहती है सुनिए। ओ
कहती है कि हे राजन, ये चौथा वचन मैं मांग रही हूं। तो राजा अवतान पात चौकन्ने हो जाते हैं, अकबर पता नहीं क्या मांग लेगी। कहती है कि जो मेरी बहन मेरे से बड़ी सुनीति है, उसका धोड़ा बाणा और उसके हाथ में बांस होना चाहिए और महल के ऊपर काग उड़ाएगी वो, ये मैं चौथे वचन में आपसे मांगती हूं। कैसे? राजा अवतान पात उसकी तरफ देख रहे हैं, रानी सुनीति कह रही है, और वो क्या जवाब दे रहे हैं सुनिए। धोला बाणा साथ में इन कर जो कागोडाणी, धोला बाणा साथ में इन कर जो कागोडाणी। या तेरी माँ की गाई से ऐसा जुलम कर मत रानी, ओ धोला बाणा साथ में न कर दो का गोडानिया, तेरी माँ की जाई से रहता जुल्म कर मत रानी, थोड़ा बाण बासा कह रहे हैं राजा तानपाद, मूर्ख तो ये क्या जुल्म करने को जा रही है। बोली राजन, इसने भी तो मेरे साथ जुल्म किया है। क्या किया है? इसने भी ते जुल्म करया मैं बूढ़े के संग ब्याजी, इसने भी ते जुल्म करया मैं बूढ़े के संग ब्याजी, आप बनी महारानी बैठी प्रयाग बदन मलाजी, बालक पण में मोस बैठा दी वो कन बड़ी शानी, थोड़ा बाण बासाद में कर दो का गोडानी, तेरी माँ की जाई से रहिसा जुल्म कर मत रानी, थोड़ा बाण बासाद तान पात। सुरुचि की बात सुनकर के क्रोध में हो जाते हैं, सोचते को बुढ़ापे में आकर के कहां इज्जत बिगाड़ी है। वो हाथ जोड़ करके रानी सुरुचि से कैसे कह रहे हैं, के बेरा थानू बन जागी या मरी पूत की मारी, के बेरा थानू बन जागी वा मरी पूत की मारी, हाथ जोड़ के तन प्यासू के सुन लेंगे नर नारी, शर्म करे नर कलियारी मेरे पुरन पाई, थोड़ा बाण बासाद में नकर जो का गोडाई, तेरी माँ की गाई से जुल्म कर भोला बाण बासाद में। बताते हैं रानी सुरुचि कहती है, मैं तो कदम जब आगे रखूंगी तब ये कार्रवाई हो जाएगी। कहीं बेबस होकर के राजा ने ऐसा ही काम किया, कैसे बता? ये थोड़ा बाण बास हाथ में कर बार शहर ते डेरा, थोड़ा बाण बास हाथ में कर बार शहर ते डेरा, कर में सोब दूसरी आगी पट जा खतन वेरा, दर्द शीस काट लिया मेरा तुम्हारी ओ मानस खाई, थोड़ा बाण साथ में कर दो का गोडाई,
तेरी माँ की जाई शहर रानी जुल्म कर मत राई थोड़ा बान पास में बताया है कि राजा बड़े सोच में रहने लगे क्योंकि जहां सुर नहीं तान नहीं मिले वहां कैसा गायन होता है कैसे बताया ये चंद्रमा नहीं बपावे कोना आवे याद जलेबी चंद्रमा नहीं बपावे कोना आवे याद जलेबी गलमहवाड़ा मन का काला कर दी बात फरेबी कृष्ण लाल भवन में देवी किसी बच्ची बड़ी सखाणी थोड़ा बाण साथ में तो का गोटाई तेरी माँ की दाई से ईसा जुलम कर मत राई बताते हैं कि जब रानी और राजा के सवाल जवाब हुए बताते हैं कि हट होती है प्यार राज हट बाल हट प्रिया हट और योग हट तो रानी सुरी जी कुछ तो बाल अवस्था थी उसकी वो अपने हट पर आ जाती तो इस बात के द्वारा क्या कहती है मैं ते दास हूँ अपने पीर मैं मैं ते दास हूँ अपने पीर मैं ओ जो तेरे काल जेकी कोर शर पे धर के ना चले ओ यस तेरे काल जेकी कोर तू शर पे धर के ना चले उमत गाई अपने पीर मैं उमत गाई अपने पीर मैं ओ यस तेरे काल जेकी कोर को शर पे धर के ना चले ओ यस तेरे काल जेकी कोर शर पे धर के ना चले आते हैं जब इतनी बात करते होगे तो सारे बरातियों के रथ रुक जाते हैं घोड़े रोक लिए जाते हैं कैसी बात हुई उड़े ढोला डटेरा बाग में है उड़े ढोला डटेरा बाग में भरी खड़ी सोरी ची बाग में भरी खड़ी सोरी ची आग में ओ ना चले भूप का जोर ओ शर पे धर के ना चले ओ ना चले भूप का जोर तू शर पे धर के ना चले ओ मत गाई अपने पीर ने ओ मत गाई अपने तेरे पाल जेकी को तो शर पे धर के नाच ले ओ तो तेरे पाल जेकी को तू शर पे धर के नाच ले जब क्यों बांधो थे मोड़ हो जब क्यों बांधो थे मोड़ हो पीते पो दूंगी कुआ
जोड़ हो किते भोजुंगी कुआ जोड़े हो मत अवधपुरी में सोर हो शर पैदर के ना चले ओ मत अवधपुरी में सोर तू शर पैदर के ना चले ओ मत जाऊंगी अपने तीर में ओ मत जाऊंगी अपने तीर में ओ या से तेरे काल जकी को दाशर पैदर के ना चले ओ या से तेरे काल जकी को तू शर पैदर के ना चले आते हैं रानी सुरुचि उसको लाने दे रही है, ताना कशी कर रही है, उसको डरा रही है। क्या कहा? मत मर जाएंगी फांसी काल के ओ मत मर जाएंगी फांसी काल के ओ तेरे आग महल में बाढ़ के ओ तेरे आग महल में बाढ़ के ओ डूंगी रड़ा रे तम बोल शर पैदर के ना चले ओ डूंगी रड़ा रे तम बोल शर पैदर के ना चले ओ मत दाऊंगी अपने पीर में ओ मत दाऊंगी अपने पीर में ओ दस तेरे काल पैदर के ना चले ओ याद तेरे काल जकी कोर तू शर पैदर के ना चले मोज यो डाली मैल में ओ न मोज यो डाली मैल में बैसी बैठा दूंगी दैल में ओ बैसी बैठा दूंगी दैल में ओ कर दू टुकड़े की चोर शर पैदर के ना चले ओ कर दू टुकड़े की तू शर पैदर के ना चले ओ मत जाऊंगी अपने पीर में ओ मत जाऊंगी अपने पीर में ओ यस तेरे काल जकी को शर पैदर के ना चले छंद गागे कर सने लाल के छंद गागे कर सने लाल गे वे कवि पता न कित काल गे वे कवि पता न कित काल गे क्यों हो गयो नीचा तोर ओ शर पैदर के ना चले ओ क्यों हो गया बताते हैं। हम महल में जब आ जाते हैं तो राजा उतान पात कहते हैं सुनीति जी कि मैं कह रहा था वही बात हो गई ना, अब तुम अपनी छोटी बहन से बात करो ये क्या कह रही है। अब ये दोनों बहन जब आपस में बातें कर रही है उनकी बातें सुनकर के उतान पात बड़े क्रोध में हो जाते हैं
और वो दोनों को एक बात के द्वारा क्या समझा रहे हैं? मत करो जात का झेला रे, कुछ डर लो न भगवान ते, डर लो न भगवान ते। मत करो जात का झेला रे, कुछ डर लो न भगवान ते, डर लो न भगवान ते। एक मिनट में सती बनो तुम, एक मिनट में बाण, एक मिनट में करो लड़ाई, एक मिनट में बाण। रवारे नहीं दाझेला रे, किस देवता और इंसान ते, वो डर लो न भगवान ते। तो जात का झेला रे, कुछ डर लो न भगवान ते, वो डर लो न भगवान ते। मारे जात बगाड़ी के रंग दिखाओगी, बुढ़े मारे जात बगाड़ी के रंग दिखाओगी। मैना तू था तने सुनी थी, कितके लाल खिलावेगी रही सात साल मेरी गलार। करु तो करवार मकान ते, डर लो न भगवान ते। करो जात का झेला रे, कम डर लो न भगवान ते, डर लो न भगवान ते। राजा तानपाद कभी सुनीति को समझा रहे हैं तो कभी सुरुचि को, और कम से कम ये मेरे गोती नाती ये बराती जो हैं खड़े सुन रहे हैं बातें, कम से कम शर्म तो करो। क्या कह रहे हैं? खड़े बराती गोती नाती किसे की भी शर्म नहीं, खड़े बराती गोती नाती किसे की भी शर्म नहीं। माँ की जाई बार सुनती यो तेरा अच्छा कर्म नहीं, जोड़े तो सूता मेरा रत रबर से आगे जमान ते, डर लो न भगवान ते। मत करो जात का झेला रे, कम डर लो न भगवान ते, डर लो न भगवान ते। दोनों वक्ता दा सत्संग में बुद्धि ठीक समर जाएगी, दोनों वक्ता दा सत्संग में बुद्धि ठीक समर जाएगी। राम नाम का सुमरण कर ले नैया पारी कर जागी, दर्शन चेला से ओ सत्ता सतगुरु चंद्रवान ते, अटल लो न भगवान। मत करो जात का झेला रे, कुछ डर लो न भगवान ते। बताते हैं इस तरह राजा और तानपाद दोनों को समझा बुझा लेते हैं और समय बीतता चला जाता है। बताते हैं कुछ ही दिनों बाद दोनों रानियों को पुत्र पैदा हो जाते हैं। बड़ी रानी सुनीति के धरु होता है और छोटी रानी सुरुचि के उत्तम नाम का राजकुमार जन्म लेता है। जब दोनों राजकुमार चार चार पांच पांच वर्ष के हो जाते हैं तो एक दिन की बात है कि राजा उतानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तो ध्रुव जाकर के उनके पैरों में बैठ जाते हैं, तो उधर से रानी सुरुचि उसको देख लेती है। वो जाकर के
ध्रुव को वहां से उतार देती है सिंहासन पर से, कहती है लात मार के कि अगर तूने सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना है। अब इतनी बात को सुनकर के राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि को क्या कहते हैं, तू जुल्म करा मेरी नारी रतने, जुल्म करा मेरी नारी रतने, लात धरू के तुम्हारी रतने, लात धरू के तुम्हारी रतने, जुल्म करा मेरी नारी रतने, जुल्म करा मेरी नारी रतने, लात धरू आते जरूर के क्यों मारी पुत्र अंश पिता का ओ से बन रे पिता से का, पत्नी के संग सुतर पुतर जब जानाम धराया, को ना बात बेचारी रतने, को ना बात बेचारी रतने, नात स्वरूप तुम्हारी लात धरू के क्यों मारी रतने, जुल्म करा मेरी नारी रतने, जुल्म करा मेरी नारी रतने, लात धरू के तुम्हारी रतने, लात धरू के रहे राजा उत्तानपाद कह मूर्ख तुझे मालूम नहीं कि पुत्र के अंश पिता का ही अंश होता है, और पत्नी के संग जब पुत्र का नाम जुड़ता है तभी जाकर के नाम लगता है, इतनी बात को नहीं जानती तुम, कैसे बताया। जीव जीव का बरी ओरा, जीव खाता जीव पिता और जीव ही पुत्र, तू जीव जीव की माता, यो वादे का यादगारी रतने, आदे का यादगारी रतने, लात धरू जुल्म करा मेरी नारी रतने, जुल्म करा मेरी नारी रतने, लात धरू के तुम्हारी रतने, लात धरू जाओ तानपा कि एक पुत्र तुम्हें प्यारा है, एक को तुम दुत्कार रही हो, ये बहुत बुरी बात है, तुम्हारी बहन के गर्भ से है तो मेरी संतान, कम से कम इस बात का भी ध्यान नहीं रखा आपने, क्या कह रहे हैं। एक जीव तने
हाथी कलाया एक जीव से बरतन आत्म रूप दहू से मेरा चोकर समझा गरतन ये तोड़े आप उतारी रतन तोड़े आप उतारी रतन लात दरू पे तुम्हारी रतन लात दरू पे तुम्हारी रतन जुलम करा मेरी नारी रतन जुलम करा मेरी नारी रतन लात दरू पे राम नाम का सुमरन करता रैसा काम गरोवर रोशन हो गया शर्मा जी के गाय में कर चीता चीता के सत जारी रतन लात दरू बताते हैं अब कुमार धुर रोता रोता उसकी मां सुनीति के पास चला जाता है। तो सुनीति उसे पूछती है कि बेटा धुर किसने मारा है तुम्हें। तो धुर बताता है कि मेरी मौसी ने मेरे को लात मारी। वो बोलती है कि अगर तुम्हें यहां सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। तो इतनी बात सुन करके रानी सुनीति बढ़िया संभ्रम में होती है। अब वो अपने ही बेटे को समझा रही है एक बात के द्वारा कैसे बता। तेरी मोस्ती ठीक कैसे धुरूरे बचने भगवान तेरी मोसी ठीक कैसे धुरूरे बदले भगवान ओ तेरी मोसी ठीक कैसे धुरूरे बदले भगवान समझनिए कै लाग सवेता समझनिए कै लाग सवेता रे अपना अपना भाग सवेता अपना अपना भाग सवेता जत दरगी आंधी बस बुरूरे पाड़ी परेशान यत दरगी आंधी बस बुरूरे पाड़ी परेशान तेरी मस्ती ठीक कैसे जरूरे बजले भगवान तेरी मस्ती ठीक कैसे जरूरे बजले भगवान राजभवन के करण गया था राजभवन के करण गया के बेटा उड़ धरण गया था के बेटा उड़ धरण गया निपकुण से कुए बीच गरूरे लेके मेरी जान निपकुण से कुए बीच गरूरे लेके मेरी जान
सदुरूरे बदले भगवान तेरी वो सी ठीक कैसे जरूरे बदले भगवान। रानी स्मृति अपने बेटे ध्रुव को समझा रही है और मन ही मन रो रही है और अपने कर्मों को कोस रही है। कैसे बता रहा है? एक बात के द्वारा वो अपनी बहन को मन ही मन क्या कह रही है? कुछ भी को ना शर्म तेरे, कुछ भी को ना शर्म तेरे, मन में ना दया धर्म तेरे, मन में ना दया धर्म तेरे, दिव कुण सा जतन करू रे बेटा शर्प एहसान, दिव कुण सा जतन करू रे बेटा शर्प एहसान, तेरी मस्ती ठीक कैसे जरूरे बदले भगवान, तेरी मस्ती ठीक कैसे जरूरे बदले भगवान। समझा रही है माता सुनीति उसको कि बेटा भगवान का भजन करो, इसी में तेरी मुक्ति है, उस भगवान की गोदी में जाकर के बैठोगे। कैसी समझा रही है? कृष्ण लाल भजन कर प्यारे, कृष्ण लाल भजन कर प्यारे, भक्तों के भगवान सहारे, भक्तों के भगवान सहारे, मिल जाएंगे तन आप गुरु रे चंद्रवान, मिल जाएंगे तन आप गुरु रे चंद्रवान, तेरी मुसी ठीक कैसे जरूरे बदले भगवान, तेरी मुसी ठीक कैसे जरूरे बदले भगवान। अब इतनी बात ध्रुव अपनी माता की सुनकर के कहता है, हे माँ मेरे पिता को राजा किसने बनाया? उसकी माँ कहती, बेटा तेरे पिता को राजा भगवान ने बनाया है। तो इतनी बात सुनते ही ध्रुव चल पड़ता है। उसकी माता कहती, बेटा कहाँ जा रहा है? बात के द्वारा क्या कह रहा है ध्रुव अपनी माँ से? मन ने तू रोके मत ना, मन ने तू रोके मत ना, जावण दे टोके मत ना, राम रटूंगा मेरी माँ तेरी। मन ने तू रोके मत ना, जावण दे टोके मत ना, राम रटूंगा मेरी माँ। आज तलक कोई पाया कोन्या उस पद ने मैं पाऊंगा, मन जब तक राम न मिलते उल्टा कोन्या आऊंगा, सब तनारा भक्त छटूंगा, बुरे कर्मात दूर अटूंगा, राम रटूंगा मेरी माँ तेरी। मन ने तू रोके मत ना, जावण दे टोके मत ना, राम रटूंगा मेरी माँ।
मेरी माँ मेरी। अपना खाता आप देख लूं, करे हुए सब कर्मा का चुकर उलटा कदम धरूं मैं पोता सूं मैं ब्रह्मा का उल्टा पुआना मुड़ अटूंगा जाऊंगा मैं नहीं डटूंगा राम रटूंगा मेरी माँ मन तू रोके मतना जावन दे टोके मतना राम रटूंगा मेरी माँ कह रहा है अपनी माँ से। हे माता, आपने मेरे को सत्य का रास्ता दिखा करके मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। अगर मैं यहां रहा तो मैं रोज पिटता रहूंगा और दिन दिन में घटता ही रहूंगा। कैसे बता रहा है? भरम नींद मेरी टूट गई माँ बोलिया स्वदी मैं पिता छोड़ मैं परम पिता की जा बैठूंगा गोदी मैं दुनिया पे न रोज पटूंगा आड़ रया ते रोज घटूंगा राम रटूंगा री मेरी माँ मतना जावन दे टोक मतना राम रटूंगा री मेरी माँ। बताते हैं गुरु मानते नहीं, खास पाठ धनमाल को छोड़ करके अपने बियाबान की तरफ चल पड़ते हैं कि जिसको लग जाती है उसको वही जानता है। कैसे बताया? राज पाठ धन माड़े छोड़े धरू चाले पड़े बियाबान में कैसन लाल ब्राह्मण सुरती लगी हरी भजन में मात बात पे बटूंगा पारे ते भी नहीं पटूंगा री राम रटूंगा मेरी माँ मन तू रोके मतना जावन दे रोके मतना राम रटूंगा मेरी माँ तेरी तेरी तू रोके मतना जावन दे तो कह मतना राम रटूंगा मेरी माँ। बताते हैं बालक धरु अपनी माता से आज्ञा लेकर के वन की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में देवऋषि नारद जी मिलते हैं, कहते हैं अरे बालक तुम कहां जा रहे हो? तो ध्रु कहता कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं।
सम्राट देवर्षि उसको देख करके छोटा मुंह बड़ी बात बड़े अचंभित होते हैं, तो बोलते तुम कौन हो, तो बताते हैं ध्रुव भक्त अपना नाम और पिता का नाम। तो देवर्षि नारद उसको समझते कि बच्चा है नादान ऐसे ही आ गया होगा, उसको समझा रहे हैं कैसे पता है। वो सुन्य हो जागी रजतन रबण में जाया ना करते, सुन्य हो जागी रजतन बण में जाया ना करते, अपन में जाया ना करते बालक जाया ना करते, अपन में जाया ना करते बालक जाया ना करते, सुन्य हो जागी रजतन बण में जाया ना करते, सुन्य हो जागी रजतन बण में जाया ना करते। तेरी रोवेगी जननी माय रगर ने उनका चल मेरे भाई, तेरी रोवेगी जननी माय अगर ने उल्टा चल मेरे बाल, वो टप टप पड़े नैन पे पानी रगड़ी सताया ना करते, टप टप पड़े नैन पे पानी गनी सताया ना करते, ओ सुनी हो जागी रजतन बण में जाया ना करते, ओ सुनी हो जागी रजतन बण जा रहे हैं कि वे चल तेरी मार हो रही होगी तेरे बगैर। वो कहता मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव से असली बात का वो पता लगा लेते हैं। तो क्या कहते हैं नारद जी, चल दिलवा दूं ताज तेरा मैं रे या ताराज तेरा मैं, चल दिलवा दूं ताज तेरा मैं रे आता राज तेरा मैं, या नहीं बात किसे ते छाई गला तपकला ना करते, या बात किसे ते न छाई गला तपकला ना करते, वो सुनी हो जागी रजतानी रबण में जाया ना करते, वे सुनी हो जागी रजतानी बण में जाया ना करते, अपन में जाया ना करते बालक जाया ना करते, अपन में जाया ना करते बालक जाया ना करते, वो सुनी हो जाएगी रजतन अपन में जाया ना करते। सै उड़े रघोर अंधेरा बण में चीते शेर दाड़े, दन में घोर अंधेरा उड़े बण में चीते शेर दाड़े, दन में वो जा खत्म परानी गई जतलाया ना करते, उड़े वो जा खत्म परानी गई जतलाया ना करते, वो सुनी हो जाएगी रजदान बण में जाया ना करते, वो सुनी हो जाएगी रजदानी बण में बण मजाया ना करते बालक जाया ना करते, सुनी हो जाएगी रजतानी बण में जाया ना करते, वो सुनी हो जाएगी रजतानी बण में जाया ना करते। समझा रहे हैं उसको, डरा रहे हैं कि भाई आगे घोर गनगा और अंधेरा है, चीते शेर दाड़ते सुनाई देंगे दिन में भी, बात तो समझो खत्म हो जाता है प्राणी, तुम नन्ही जान कहां जाओगे इतनी दूर, कैसे समझा रहे हैं। जिसकी सुरती हरी भजन में वो ताए गया, वो ताए बन में, जिसकी सुरती हरी भजन में वो चाहे
करार हो चाहे बन करसन लाल नैया ज्ञानी रवैस लगाया ना करते करसन लाल नैया ज्ञानी रवैस लगाया ना करते हो सुन हो जागी रजदानी रवण बजाया ना करते ओह सुन हो जागी रजदानी रवण बजाया ना करते। अब नारद देवऋषि जी की बात सुनकर के भक्त रूप अपनी बात पर अडिग रहते हैं। वो कहते हैं मैं तो जाऊंगा, तो नारद जी उनको मंत्र देते हैं। ओम नमः श्री वासुदेव द्वादश का मंत्र उच्चारण करने के लिए उनको बोलते हैं, गुफा का मार्ग बताते हैं उसको। वो गुफा आज भी ध्रुव के नाम से ही जानी जाती है। बताते हैं वहां ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये स्थान, जहां ध्रुव भक्त ने एक पग पर खड़े होकर के बड़ा उग्र तप किया। वहां से पृथ्वी बताते हैं एक तरफ झुक गई। अब तीनों लोकों में हलचल मच जाती है। ध्रुव भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ओ कब आओगे हे भगवान भगत थारी बाट में खरा, ओ कब आओगे भगवान भगत थारी बाट में खरा, ओ कब आओगे ओ भगवान भगत थारी बाट में खरा। निराकार साकार स्वामी घट के अंतर्यामी, निराकार साकार स्वामी घट के अंतर्यामी, ओ मैं तो धरूं तो महारा ध्यान भगत तेरी बात में, ओ कब आओगे भगवान भगत तेरी बात में गया। रोम तेरा नाम पुकारे नैया करो किनारे, रोम रोम तेरा नाम पुकारे नैया करो किनारे, ओ मैं ते तेरे ओ बिना परेशान भगत तेरी बाट में, ओ कब आओगे हे भगवान भगत तेरी बाट में। सोए कोना तेरे बिना मेरा कोए कोना, छह महीने दूर सोए कोना तेरे बिना मेरा कोए कोना, बलिया नारद जीप है मने ज्ञान भगत थारी बात में, ओ कब आओगे भगवान भगत थारी बात में। करसन लाल खड़े थे बन में बिजली पाटी छन में, करसन लाल खड़े थे बन में बिजली पाटी छन में, ओ खड़ी श्याम बासुंदर सी शान भगत तारी बाट में, ओ कब आओगे हे भगवान भगत तारी बाट में, ओ कब आओगे हे भगवान भगत।
बताते हैं कि गुरु भक्त की मेहनत, लगन और भक्ति को देख करके श्री हरि उन्हें दर्शन देते हैं और उनके पास आकर के कहते हैं, बाल ऋषि, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया। ऋषि कह रहे हैं, हरि, सुनो बाल भक्त जी मेरे, तेरे पास खड़े परमात्मा, मैं आया दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। सुन बाल भक्त जी मेरे, तेरे पास खड़े परमात्मा, मैं आया तू दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। प्रेम भरी हरि बोले वाणी, कितनी बाल उमर यानी। प्रेम भरी हरि बोले वाणी, कितनी बाल उमर यानी। मुक्ति की मेवा पानी, कुछ मांग ले रे धर्मात्मा, मैं आया हूँ दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। भगत जी मेरे, तेरे पास खड़े परमात्मा, मैं आया दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। तुझसे प्यारा कुछ भी कोना, मुझसे नारा कुछ कोना। तुझसे प्यारा कुछ भी कोना, मुझसे नारा कुछ कोना। तन महारा कुछ भी कोना, तन के दे दूर महात्मा, मैं आया हूँ दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। सुन बाल भक्त जी मेरे, तेरे पास खड़े हैं परमात्मा, मैं आया तू दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। सनक सनंदन संत कुमारा, एक प्रहलाद भगत प्यारा। सनक सनंदन संत कुमारा, एक प्रहलाद भगत प्यारा। श्री नारद का एक तारा, दुर्भक्त हुआ है मेरा सातमा, मैं आया तू दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। सुन बाल भक्त जी मेरे, तेरे पास गड़े परमात्मा, मैं आया तू दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। भक्त लेट गए चरण धूल में, जैसे बमड़ा पड़ा फूल में। भक्त लेट गए चरण धूल में, जैसे बमड़ा पड़ा फूल में। बड़ प्रसन्न लाल सकूल में, होवे रोग द्वेष का खात्मा, मैं आया हूँ दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। सुन बाल भक्त जी मेरे, तेरे पास खड़े हैं परमात्मा, मैं आया हूँ दर्शन कर ले तेरी पवित्र आत्मा। बताते हैं गुरु भक्त एक तक भगवान को दर्शन कर रहे थे, पलक नहीं झपकती थी, मानो भगवान के रूप रस को गुरु नेत्रों द्वारा पी रहे हैं। गुरु बच्चे थे, वाणी जड़ हो जाती है, स्तुति करना नहीं जानते थे। तभी श्री हरि ने अपना शंख ध्रुव के कोमल गाल से लगा देते हैं। कहते हैं कि ध्रुव को पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वो स्तुति करते हैं भगवान की। कहते हैं श्री हरि से ध्रुव वरदान मांगते हैं,
हे प्रभु मुझे वो पद दीजिए जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और श्री नारायण जी खुश होकर के ध्रुव को वो अटल पद प्रदान करते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब यहां ध्रुव की कथा संपूर्ण होती है। पर सच्चे दरबार की जय हो, पर भक्त और भगवान की जय हो। कैसे सुंदर शान मेरे भगवान तुम्हारी है, कैसी सुंदर शान मेरे भगवान